हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय उबासी क्यों आती है। हनुमान चालीसा या किसी भी अन्य भक्ति भजन का पाठ करते समय किसी को उबासी क्यों आती है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। आइए जानते हैं। नंबर एक पर आता है बोरियत या रुचि की कमी। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ऊब या अरुचि उबास महसूस करते हैं तो यह थका या बेचैनी हो सकती है। नंबर दो पर आता है शारीरिक थकावट। उबासी आना अक्सर शरीर थका नींद की कमी का संकेत होता है, और यदि आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपका हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उबासी ले सकते हैं। नंबर तीन पर आता है ध्यान की कमी। यदि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान केंद्रित करना या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ रही है तो यह मानसिक थकावट या व्याकुलता के संकेत रूप से जवाई ले सकते हैं। नंबर चार पर आता है तनाव या चिंता। उबासी आना भी तनाव या चिंता का संकेत हो सकता है, और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अद्भुत या चिंता महसूस कर रहे हो तो आपको उबासी आ सकती है या फिर नींद भी आ सकती है। नंबर चार पर आता है आदत या प्रतिवर्ता। जवाई लेना भी एक आदत या पलट हो सकता है, और यदि आपको बार बार उबासी लेने की प्रवृत्ति है तो आप हनुमान चालीसा या किसी अन्य भक्ति भजन पाठ करते समय भी अजवाई ले सकते हैं। नंबर पाँच पर आता है यह याद रखना महत्व है कि अजवाई लेना एक प्राकृतिक और सामान्य शारीरिक क्रिया है। यह अनिवार्य रूप से आनंददाय या भक्ति की कमी का संकेत नहीं है। हालांकि यह आपको पता है कि आप हनुमान चालीसा या किसी अन्य भक्ति भजन का पाठ करते समय बार बार जवाई ले रहे हैं तो यह एक ब्रेक लेने, आराम करने और आपके अभ्यास का लौटने के मददगार हो सकता है जब आप अधिक ध्यान केंद्रित और सतर्क महसूस करते हो। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।